मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस सबसे पहले बेटा मान के चलते y इज इक्वल टू x के। सिंपल सी बात है, ये y वेव फंक्शन है x का। तो सिंपल सी बात है, आपने जो डिफरेंशिएशन किया था वो क्या था कि dy अपॉन में dx किसके रिस्पेक्ट में बेटा, x में, और y किसका फंक्शन है, x का। तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसकी यदि हम बात करके चले एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी बेटा, टू, तो टू आगे आ जाएगी, एक्स की पावर टू में से एक माइनस हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, टू एक्स, दैट विल बी द डिफरेंशिएशन। अब हम बात करते चलते हैं कि डीवाई अपॉन में डी टी, अब देखो विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स। हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। इसी प्रकार हम बात करके चले कि ई y का विद रिस्पेक्ट टू r करके चले, तो इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ r, y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ r, देन द डिफरेंशिएशन विल बी जीरो। अब नेक्स्ट लेकर चलते हैं d अपॉन में dx, d अपॉन में dx बेटा क्या है, डिफरेंशिएशन है किसका, साइन थीटा का। देखो थीटा और एक्स दोनों अलग अलग फंक्शन है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। अब डी अपॉन में डी टी, डी अपॉन में डी थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये थीटा और ये थीटा है ना सेम वेरिएबल है, तो जब सेम वेरिएबल हो तो साइन थीटा का, साइन एक्स का डी अपॉन में डी एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला बताया था कोस एक्स होगा, तो उसी प्रकार डी अपॉन में डी थीटा साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, कोस थीटा के बराबर, क्लियर। अब देखो यदि हम बात करके चलते हैं डी अपॉन में डी एक्स साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी क्या है, एंगल है, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, टी क्या है, टाइम है, इसका मतलब ये साइन ओमेगा टी इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और हम रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट तो किसके कर रहे हैं, एक्स के, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब डिफरेंशिएशन कब हो सकता है कि ये वाई एक्स, तो इस वाई का विद रेस्पेक्ट तो एक्स ही हो सकता है, और किसी के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या होगा, जीरो। जैसे डी वाई को में डी थीटा निकाल लिया तो वो डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू टी की क्यू, अब देखो इसको डी एस, ये टी है, तो डी ए डी का एस का विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो किसके बराबर होगा, डी एस अपॉन में डी टी बराबर थ्री पावर आगे आ जाएगी, टी की पावर थ्री में से एक घटा दो, किसके बराबर होगा, टी स्क्वायर, क्लियर बात। अब देखो इसी का एस है, ये एस का विद रिस्पेक्ट टू आर करें, तो यहां तो आर तो है नहीं, तो इसका मतलब डी एस अपॉन में डी आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। इसी प्रकार डी अपॉन में डी एक्स करें तो एस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ एक्स है नहीं, तो इसका मतलब डी एस अपॉन में डी एक्स की भी वैल्यू क्या होगी, जीरो, ये भी जीरो। अब बेटा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते वाई इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वेयर, एग्जाम्पल ले लिया कोई कि वाई की वैल्यू थ्री टी स्क्वेयर है, इसका डिफरेंशिएशन निकालो किसके रेस्पेक्ट में, आर के, तो ये आर और ये टी दोनों क्या है, अलग अलग है, वेरिएबल अलग है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। इसी का फिर आ जाए किसका वाई इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वेयर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो, तो ये तो है टी लेकिन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। हाँ यदि ये टी है इसको विद रिस्पेक्ट टू टी करे, डी अपॉन में डी टी करे, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा थ्री टी स्क्वेयर, थ्री कॉन्स्टेंट बार आ जाएगा, पावर का कर सकते हैं, पावर टू बार आ जाएगी, टी के पावर टू माइनस वन, थ्री इंटू में टू सिक्स। अब यदि ये आ जाए डी अपॉन में डी थीटा इंटू में टी स्क्वेयर, तो थीटा और टी है ना फिर अलग अलग वेरिएबल हो गए, फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब भी अलग अलग वेरिएबल हो उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा। सेम वेरिएबल हो तो उसका डिफरेंशिएशन उसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, क्लियर बेटा। अब देखो सेकंड वन है उस चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, रियली में क्या होता है मैं आपको बताता हूं, इस फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। इस फॉर्मूले की यदि हम बात करके चले तो y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब करो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
y इज द फंक्शन ऑफ x, तो ये x के लिए बात है, डिफरेंशिएशन होगा, पावर के अकॉर्डिंग करो 3 आगे आ गया, x की पावर 3 माइनस 1 के लिए। अब देखो ये तो पावर का होगा, x का करेंगे d अपॉन में dx x, तो आपको मैंने कई बार बताया कि dx का विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा क्या होगा, 1 होगा, क्लियर। फिर बता देता हूँ, d अपॉन में dx x की पावर 1 है, तो ये 1 आगे आ जाएगी, x की पावर 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, x की पावर 0 इसका मतलब 1, किसी की पावर 0 क्या होती है बेटा, 1 होते, नोट कर लेना ये। अब देखो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपने कर रखा है, बहुत ही आसान है, एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। पावर किसके बराबर होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 बेटा, इतना क्लियर। अब देखो dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx इसका मतलब y का विद रिस्पेक्ट टू x हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो पावर कितनी है 1/2 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका पावर कितनी, 1/2, 1 माइनस कर दो, ये तो हुआ पावर का डिफरेंशिएशन। अब d अपॉन में dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 का और करो, अब ये होगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये हो गया, अब एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, 1 का क्या हो जाएगा जी, अब इसी प्रकार ये करके चले, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, y इज इक्वल टू साइन एक्स 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो सबसे पहले बेटा साइन का करो, साइन का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर जो ये एंगल बच गया है इसके अंदर उसका करो, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये आ जाएगा। अब ये एज इट इज 3x स्क्वायर के कितना होगा 2x प्लस 5। अब बेटा y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो देखो सबसे पहले यदि हम बात करके चले y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, चेन रूल लगाएंगे हम, तो dy अपॉन में dx किसके बराबर होगा बेटा, देखो पावर करो सबसे पहले, पावर 2 आ गया ये cos 2 माइनस 1 x इंटू में d अपॉन में dx किसका करेंगे बेटा, cos x का, तो किसके बराबर होगा 2 cos x, और इसका किसके बराबर होता है माइनस साइन x, किसके बराबर होगा माइनस साइन x cos x, बस क्लियर से बात। अब इसी का यदि हम बात करके चलें dy अपॉन में dt 0, क्योंकि इट इज द फंक्शन ऑफ x नॉट t, क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट की हम बात करके चले, y इज इक्वल टू cos x की क्यूब, देखो दोनों में अंतर, ये cos की पावर 2 है, ये एंगल की पावर 3 है, तो dy अपॉन में किस रेस्पेक्ट में होगा dx, क्योंकि ये x है, तो cos का किसके बराबर हो जाएगा माइनस साइन x की क्यूब, ये तो हुआ cos का, अब किसका करेंगे एंगल का, d अपॉन में dx किसके बराबर हो गया x की क्यूब, तो ये होगा माइनस साइन एक्स की क्यूब, इसका करेंगे 3x स्क्वायर हो गया, तो किसके बराबर होगा माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स की क्यूब, दैट विल बी द डिफरेंशिएशन, क्लियर बेटा। अब देखो ये आ गया तीसरा न्यूमेरिकल्स, तीसरा न्यूमेरिकल्स की हम बात करें, x इज इक्वल टू ए टी की पावर 4 है, चलो, और y की वैल्यू क्या है बेटा, बी टी की पावर 3, क्या निकालना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब देखो बात ये, एक्स ए यहां पर क्या है कॉन्स्टेंट, बी यहां पर भी क्या है कॉन्स्टेंट, तो एक्स है वो फंक्शन किसका है, टी का है, वाई है वो फंक्शन किसका है, टी का है, निकालना है क्या, डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए टी की पावर 4, तो डी एक्स अपॉन में dt निकालेंगे हम पहले, तो किसके बराबर a, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, पावर 4 माइनस 1 किसके बराबर होगा 4 a की, क्लियर। अब y इज इक्वल टू बी टी की पावर 3, अब करेंगे डी वाई अपॉन में dt किसके बराबर b 3t स्क्वायर 3 बी टी की पावर
अब बेटा हमारे पास तो क्या आया, डी एक्स अपॉन में डी टी और डी वाई अपॉन में डी टी। निकालने क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो किसके बराबर लिख सकता हूं, डी वाई अपॉन में डी टी गुणा में डी वाई अपॉन में डी एक्स। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डी टी से क्या हो जाएगा, डी टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या। अब देखो डी वाई अपॉन में डी टी ये रही आपके पास किसके बराबर होगा, थ्री बी टी स्क्वेयर इंटू में आपके पास डी टी अपॉन में डी एक्स है क्या, आपके पास डी एक्स अपॉन में डी टी, रेसिप्रोकल कर लो, वन अपॉन में फोर ए टी क्यू, तो किसके बराबर, थ्री बाय फोर बी बाय ए इंटू वन बाय टी, ये आंसर आ जाए। क्लियर बेटा, तो डिफ्रेंशिएशन में चेन रूल लगाना हो या विद किसके रेस्पेक्ट में करना वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो, मैंने आपको असाइनमेंट दे रखे हैं, न्यूमेरिकल्स पोर्शन दे रखा है सोल्व करने के लिए, ट्राई करो उसमें से, कोई दिक्कत है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो बेटा तो स्टूडेंट अब हम जो कर रहे हैं वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, लेट अस कंसीडर वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर बेटा, अब देखो हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू बनाने के लिए, वाई की मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू के लिए हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या चाहिए, जीरो। अब मैंने क्या बताया था, डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स है स्लोप ऑफ ए ग्राफ, तो ये ग्राफ आपके पास है, तो इसके यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो इस पॉइंट पर, और नीचे जो इस पॉइंट पर यहां पर स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। सिंपल सी बात, इस पॉइंट पर जीरो, इस पॉइंट पर जीरो, यहां पर डी वाई अपॉन में डी एक्स जीरो है, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, यहां पर डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू है, यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। तो इसका मतलब डी वाई अपॉन में डी एक्स की दो वैल्यू है, एक तो मैक्सिमम एक मिनिमम। तो मैंने आपको बताया भी था कि इस ग्राफ से मैक्सिमम और वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए आपको जो स्लोप ऑफ ग्राफ है ना उसको क्या पुट करना पड़ेगा बेटा, जीरो पुट करना पड़ेगा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर टेंजेंट है, या फिर आपको पता है डी वाई अपॉन में डी एक्स किसके बराबर होता है, स्लोप, और स्लोप किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, जीरो। तो यहां पर जीरो होगी, एक यहां पर जीरो, तो दो वैल्यू आ गई, एक ये पॉजिटिव आ गई, एक क्या होगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब डी वाई अपॉन में डी एक्स में दो वैल्यू आएगी, एक तो पॉजिटिव आएगी, एक क्या आएगी, नेगेटिव। उसके लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर स्लोप जीरो, यहाँ पर भी स्लोप क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब जब भी आपको निकालना हो वाई के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो उसके लिए पहला डिफ्रेंशिएशन है वो उसको किसके बराबर पुट करना पड़ेगा, जीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव को। नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर मैक्सिमम मिनिमम आए उसकी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालो, उस फर्स्ट डिफरेंशिएशन को किसके बराबर पुट कर दो, जीरो के बराबर पुट कर दो। तो इसका मतलब ये होगा डी अपॉन में डी एक्स वैल्यू। अब यहां पर एक वैल्यू भी आ सकती, दो भी वैल्यू आ सकती, तो कहां पर मैक्सिमम होगा कहां पर मिनिमम के होगा ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, यदि वो पॉजिटिव है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और यदि वो नेगेटिव है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर यदि पॉजिटिव है तो वाई क्या होगा, मिनिमम, और डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी टी है वो नेगेटिव है तो वाई क्या होगा, मैक्सिमम। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है, यही यूज होंगे। अब एग्जांपल करते हैं, वाई इज इक्वल टू 25x² + 5 - 10x, क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालने, क्या बताया था, फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालो, उसको क्या पुट करो, जीरो पुट करो। तो इसका डिफरेंशिएशन करो किसके लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू, इसको आप 25 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, प्लस 5 का कितना हो जाएगा 0, 10x का कितना हो जाएगा 1, तो ये होगा 5x - 10x। ये वैल्यू किसकी आएगी, डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम और
मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो बेटा सिंपल सी बात है, पहले डिफरेंशिएशन को क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो। जीरो पुट करते ही आपके पास एक एक्स की वैल्यू एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, वो क्या होगी मैक्सिमम और मिनिमम। अब इस पर एक्स की वैल्यू कितने आएगी, वन आ गई, एक्स की वैल्यू एक ही है, वन बाय फाइव। तो इसका मतलब हम चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम। तो इसी का फिर हम क्या करेंगे, सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज नोन एज द सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर? अब डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू 50 माइनस 10x, तो इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 15, एक्स कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब इसकी सेकंड डेरिवेटिव है ना, वो कितना आ गया, 50 आ गया, और 50 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या होगा, डी स्क्वायर अपॉन में डी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आए। तो पॉजिटिव आते मैंने क्या बता रखा, पॉजिटिव आते ही क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू। तो वाई की वैल्यू मिनिमम कहां होगी, 1/5 पर। तो एक्स की वैल्यू उसकी जगह क्या पुट कर दो, 1/5 एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू आएगी 1/5 पुट कर दो, प्लस 5 कॉन्स्टेंट छोड़ दो, माइनस 10 एक्स की वैल्यू 1/5 सोल्व करोगे उत्तर आ गया 4। इसका मतलब वाई की मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी बेटा, 4 होगी। क्लियर होगी, एक एग्जांपल और करते हैं अभी। तो बेटा सेकंड न्यूमेरिकल लीजिए यार, दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6। तो वी हैव फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडी अबाउट दैट कि व्हेन वी हैव फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड द dy अपॉन में dx, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले बेटा इसका हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, dy अपॉन में dx निकालेंगे, फिर उसको हम क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। जीरो पुट करने से आपके पास एक वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, वो मैक्सिमा भी हो सकती है, मिनिमा भी हो सकती है। फिर हम चेक करेंगे कहां पर मैक्सिमा है, कहां पर मिनिमा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, पॉजिटिव आ गया सेकंड डेरिवेटिव मिनिमम वैल्यू, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल सी बात है, फिर रिपीट करते जाओ, सोल्व होते जाएंगे, सिंपल सी बात, कोई बड़ी बात है नहीं। तो सबसे पहले वी हैव फाइंड दैट विल बी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता रखा है, इसको स्टार लगाकर नोट कर लीजिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू जीरो पुट करनी है। तो यहां पर पुट कर देंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसका करेंगे 3x², इसका करेंगे 6x, इसका 6 का क्या हो जाएगा, जीरो। ये वैल्यू आ गई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई अपॉन में डी एक्स पुट विल जीरो। तो एक्स इंटू में 3x - 6 इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है, 3x - 6 की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बेटा, 2। तो दो वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू या तो जीरो होगी या क्या होगी बेटा, 2 होगी। क्लियर बेटा? अब हम फाइंड आउट करेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्या करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालें, क्यों निकालेंगे, ये चेक करने के लिए कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा है, किस पॉइंट पर क्या है, मिनिमा है। तो लेट अस फाइंड द डी स्क्वायर वाई अपॉन में डीटी डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, दैट इज नोन एज सेकंड डेरिवेटिव। तो ये आपके पास, इसकी वैल्यू आपके पास ये है, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो 2x 3 × 2x 6x, 6x का 1, तो 6x - 6 दैट विल बी सेकंड डेरिवेटिव। फिर मिनिमम और मैक्सिमम के लिए क्या पुट करेंगे, देखेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव, दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये, दो वैल्यू। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करो, तो यहां पर पुट करोगे एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो, जीरो पुट करते ही 0 - 6, तो डी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या बताया, पेज पलटो नोटबुक का, अब देखो उसके अंदर डी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर क्या था, यदि नेगेटिव है तो वाई की वैल्यू मैंने लिखवाई थी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू मैक्सिमम कब हो, एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो वाई मैक्सिमम किसके बराबर हो गया, पुट कर दो इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपके पास y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी,
सिक्स होगी बेटा। अब हम सेकंड पुट करते हैं, x इज इक्वल टू टू, पुट करेंगे y की वैल्यू आगे पॉजिटिव, पॉजिटिव हटते ही y की वैल्यू क्या होगी मिनिमम, y विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू टू, एंड द मिनिमम वैल्यू जहां पर x है उसकी जगह क्या पुट कर दो बेटा, टू। तो टू ये होगा एट माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स, दैट इज फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट द टॉपिक विल बी इंटीग्रेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन काइनेमेटिक्स बेटा, जो पहली सेकेंड यूनिट है आपकी उसमें बेटा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। यदि आपको काइनेमेटिक्स के, वर्क एनर्जी एंड पावर के, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, और प्लस टू में यदि फिजिक्स आपने टॉप करनी है, ये फॉर्मूला पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट नोट करो, कोई दिक्कत हो तो बुझो अभी।